लोगों ने बहुत लेट कर दिया। कैश पर उतार रहा पूरा गुस्सा है। देखो यहाँ पे कह रहा है अपनी ऐसे तैसे कराओ सारे, जाओ मत जाओ, मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मुझे कोई टेंशन नहीं दे रहा। ये देखो हरकत, देखो क्या कर रहा है, ये देखो क्लस गया कैश पर, क्लस गया इनके तैयार होने से, एक घंटा हो गया दिमाग खराब कर रखा है। ओ भाई क्या कर रहा है, कैश पर क्या कर रहा है, जाओ बात ही ना करो तुमसे। ओ भाई लुक दे रहा है। गाइज अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं राखी के लिए। मम्मी का लुक है कुछ ऐसा, मम्मी खड़े होकर दिखा दो, मम्मी का लुक ऐसा है। मम्मी आपको फ्री बल्ला करना चाहिए था, अच्छा काम कर रही हो, फ्री काम। ये साड़ी मैंने मम्मी को दी थी, कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, मतलब ये साड़ी कलर बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो में तो और डार्क आ रहा है इसका कलर। ये हमारी ब्यूटी क्वीन, और अभी तक इन्होंने ताली, यार इतना बढ़िया आ रहा है इस फोन में, इतने सुंदर दिख रहे हैं सब लोग। ये दीपक जी जो लगे हुए हैं मेकअप करने में बहुत देर से, फाउंडेशन पता नहीं क्या क्या, मतलब इतनी देर लड़कियां मेकअप नहीं करती जितनी देर से भाई ये बंदे हमारे मेकअप करने में लगे हुए हैं। और अन्नू तो बाथरूम से निकलने को तैयार नहीं है, इनको लिपस्टिक नहीं मिल रही है। अंकित दीदी आप मेरा लुक भी एक बार दिखा दो, मुझे मेरे घर जाने के लिए इतना ज्यादा लेट हो गया है। हमारी ननदिया, अंकित दीदी मैं कह रही हूँ हमारी ननदिया आई तो कल रात को थी लेकिन अभी तक राखी नहीं बांधी इन्होंने हमारे, और मेरे को भी बहुत लेट हो रहा है अपने घर जाने के लिए। सो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है खुद को ना रेडी होके, जब हम लोग रेडी होते हैं तो बहुत ही अलग सा एकदम, मतलब अच्छी वाइब्स आती है अंकित दीदी। अंकित दीदी जब हम लोग रेडी जाते हैं तो अच्छी सी वाइब आती है, बहुत ही। देखो बालों के कलर से भी लुक्स अच्छा, मैं इतने टाइम बाद प्रॉपर ऐसे वाली एथनिक रेडी हूं यार, मैं भी कराऊंगा कलर, अब अच्छे लग रहे हैं। मम्मी ने मेरे को बोला उस दिन, कह रही तूने क्या बुढ़िया जैसे बाल करा लिए, ऐसे मेरे पेस थी कर दी चुंडा, 10,000 लगे हुए चुंडा रंगवाने में इनको, तो मैं अभी कम से कम 2-4 साल तो ऐसी रखूंगी बड़े प्यार से। देखो 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 पीछे कैमरे में टेढ़े हो गए, ये हो गए भाई लगे पड़े हुए। मेरी शादी नहीं थी तो पापा मम्मी से पूछे कि मीनू उसने क्या करवा लिया बालों के, ठीक हो जाएंगे वापस। देखो कितना अच्छा लग रहा है, लोग कहेंगे मैं आपको लेके जा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है मुझे कलर करा के, अब अच्छा मुझे लगा, मुझे कह रही थी आप कितनी प्यारी लग रही है। ब्लूपर ऑफ द डे। सो गाइज अभी अन्नू भी रेडी हो चुका है और ये मुझे कोस रहा है रेडी होने के बाद, और रीजन ये खुद ही बताएगा। ये अन्नू के न्यू शूज है, मैं आपको उसका पूरा लुक दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो भाई साहब बहुत, मतलब मेरे को अपनी लाइफ में ना इनसे अच्छे जूते नहीं लगे अब तक ब्लैक में, अगर देखा जाए सीरियसली बता रही हूँ। अंकित बताओ कैसे लग रहे हैं जूते, दिखाओ पीछे से घूम कर। ओह यहाँ देखो यार मैंने तो दिए हैं भाई, बहुत तगड़े लग रहे हैं जूते, बहुत ही तगड़े। और कैसा लग रहा है अनु का आज कल, तुम कुछ कहना चाहोगे कपड़े तुम्हें किस क्यों पहने हैं, मतलब ये मैंने बाहर जाने के लिए रखे थे आज पहन लिए। क्यों पहने, क्यों पहने तुमने ये कपड़े, जूते तो बहुत ही मस्त लग रहे हैं। कंप्लीट लुक लेट मी शो यू फ्रॉम फ्रंट कैमरा, ये मैं, ये मेरा पति, ये मेरी ननदिया और ये मेरे नंदोई। सो अगर ये मैंने ऐसे वाला किया है थोड़ा जैसे हमारा नॉर्मल वाला होता है ना, और यहाँ पर बैठा हुआ है कैस्पर हम सबके बीच में, ही इज जस्ट वॉचिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करता, ये एकदम मतलब चिल पिल है। और एक और चीज, अभी मैंने वो कराया था इनका ना वो इंट्रोडक्शन ऐसे ना अपने वाले उसमें, अभी मैं नॉर्मल वैसे बता देती हूँ, बताओ आपका नाम क्या है, नाम क्या है आपका, क्या नाम है तुम्हारा, मेरे से क्या नाम है तुम्हारा, यार वो मूवी जर्नी तो जारी, मुझे बार बार उसका एक सीन याद आ रहा है, दुकान किसके नाम जल्दी बता। और पता है उसकी हमने एक क्लिप बनाई थी काफी फनी थी वो, लेकिन उसे मैं ऐड नहीं कर पाए क्योंकि वो उसमें कुछ मतलब एंड में कुछ हो गया था ऐसा कि उसे ऐड नहीं कर पाए। अनु ने मैंने बनाई थी, मैंने उसे कह रही मेरे दिल में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, और नीचे लेट गई, क्या दुकान किसके नाम मतलब मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। चलते हैं अभी पहले इनसे राखी बनवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेरे घर जाएंगे, बाकी कल ब्लॉग करते हैं नीचे जाके कंटिन्यू, और स्टे ट्यून्ड। गाइज मैं तो जितने भी कपड़े मतलब बाहर जाने के लिए लेके जा रहा हूँ किसी ना किसी चीज पे निकल ही रहा है, मेरे को लग रहा है दोबारा शॉपिंग करनी पड़ेगी बाहर जाने के लिए ना। और देखो टी शर्ट ये रखी थी, शूज ये रखे थे, लेकिन आज पहन लिए भाई साहब। डुकाटी बड़े सही लग रहा है, बड़ा सेक्सी लग रहा है, मजा आ रहा है। देखो अपने आप को दिखता रहेगा, मुझे तो देखेंगे गेट आउट, अच्छी लग रही है, बड़े लग रही हो, नाइस, बहुत अच्छी नहीं लग रही, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही हो, अरे अच्छी लग रही है, मजाक कर रहा हूँ। चलो राखी बंधवा के निकलते हैं यहाँ से। लग रही हूँ तुम्हारी, मतलब कि जैसे तुम्हारी वाइफ को मैं टक्कर, मेरी वाइफ तो भाई कैटरीना भी नहीं लगेगी साइड में, तुम्हें टक्कर दे रही हूँ, दे रही हूँ टक्कर, कैसे दे दोगी तुम, मैं अनुभव पे आ गई हूँ यार, रूम से ज़्यादा स्मार्ट लग रही हूँ ना, ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे ही कह देते हैं। थैंक यू यहाँ पे ये मेरी राखी है, ये देखो मेरी भी है, ये वाली आंचल की है, ये वाली मेरी है, और अभी इसको बांधते हैं। बहुत डिफरेंट और बहुत प्रिटी राखी लेके आई है, अच्छी लग रही है ना। अरे मिठाई सी क्या है, अरे किसी ने खा भी नहीं मिठाई, ऐसे मिठाई खा ली भाई किसी ने। तो यार दोनों भाई टिकटॉकर बन रहे हैं और रील बनाने की ट्राई कर रहे हैं,
सारी से पहले कलर कुछ कुछ ज्यादा हमारे कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहे आज सबका। सो ये राखी है जो अंकित दीदी हमारे लेके आई है, राखी तो मुझे इस बार बहुत प्रिटी लगी है ये जो लाई है। अब कह रही है पैसा भी उसी हिसाब से देने का है। महंगी ज्वेलरी शॉप से ली गई है जो, क्या कहना चाहोगे आप? ये महंगी ज्वेलरी के अंदर वो नगन, क्या कहते हैं, नग जड़े हुए डायमंड्स, यू नो डायमंड। तो ये उस डायमंड के बदले ये डायमंड मांग रहे हैं ये मेरे से। बस एक्सचेंज ऑफर चेक रखवाया भैया, ऐसा कुछ नहीं कैश वैश। भाई लिफाफे खाली है, मैं आपको पहले बता दूं इनके अंदर कुछ नहीं है, ये सब काल्पनिक है, बिल्कुल भी इसकी उस पे ना जाए, दिल पे ना ले पापा को। ये काल्पनिक हमने इनको दिखाने के लिए रखा है, सिर्फ एक का देखा, ये ले पापा काल्पनिक है। और कैश पर कहेंगे आप, मम्मी आप भी उधर ही आ जाओ ना, वहाँ पे आ जाओ ना, बोल सकते हो भी बना ना एक बार, पैसे नहीं चाहिए ले लो पापा, अरे मेरे मोती चबा गया साड़ी के, ये भी पूरा हो गया है इमोशनल। ये बात छोटा कर दो, प्यार भरा रहे आपके भाई बहनों के बीच, अभी पूछते होंगे आपके भाई आपको खूब सारा पैसा दे, भाई तेरा काम बहुत अच्छा चला है, जो अगले साल इससे भी दुगना दे रहा है। क्या बर्फी महंगी है भाई, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तू अगले उसमें मुझे एक डायमंड का सेट दे, मेरा काम इतना अच्छा चले। हाँ तुम प्रे करो, हम दे देंगे, हम कंजूस नहीं है, हम दे देंगे। असली बात क्या, मन सुना कर रहा है, एडजस्ट कर लेते हो गया और अलग से डिमांड है, पैसे है भाई मुझे, चेक कर लिया क्योंकि अन्नू पे मुझे इतने भरोसा है कि ऊपर से नीचे आया और इसलिए खाली पता है। गाइस इस दुनिया में इतना जल्दी पेट खाली नहीं कर पाता इंसान, जितनी जल्दी लिफाफा मिला वो खाली कर देता है। लिफाफा यूं कहीं से आया, मेरे लड़के की कैसे बेइज्जती कर रही हो, तुम्हारे लड़के की सबकी बात है, लिफाफा कहीं से मिल जाए, पहले आदमी पहुंचे के लिफाफा मैंने अपने दीपक की सगाई के सारी निकाल, पहले ये भी छोड़ देते हो, अभी छोड़ते हैं, अभी का अब फोटोशूट कर लेते हैं। और अभी राखी हमारी हो चुकी है डन, और अभी मैरिज भी जाने वाले हैं, तो भी ऐसे ना वैसे, और इनके लिए भी एक राखी भेजी है, ये पाशु दीदी की जो बेटी है उन्होंने भेजी है, क्योंकि लास्ट टाइम दीपक बांध दो मैंने राखी बांधी थी, लेकिन मैं उनकी लगती हूँ इनके रिश्ते में, तो मेरा उनको राखी बांधने का नहीं बनता है, लेकिन उसकी बांध देंगे, रियल हो गया तो बदला हो जाता है, अगर दीदी मेरे पति को बांध रहे तो इस वजह सब लोगों ने मना कर दिया, तो ये राखी पाशु दीदी की बेटी ने भेजी है, ये राखी हम।